हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकेत टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पर। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आएंगे, और अगर आपकी थर्ड पार्टी मतलब आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, फैमिली इशू है, कास्ट इशू है और रिलीजियस इशू है, तो वो भी हम देखेंगे। क्या ये सब इशू रिजॉल्व होंगे एंड देन आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपके लिए एंजल आंसर्स भी लूंगा, गॉड गाइडेंस भी लूंगा। देखेंगे गॉड और एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहे हैं, और क्या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ेगी या नहीं। ओके सो हम यहाँ से ये जानेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा वो आपके लिए नहीं है। एंड गाइज आई एम सॉरी, मैं आज बहुत लेट हो गया वीडियो डालने में, बिकॉज हमारे यहाँ पर लाइट का इशू था एंड इवन मेरा इंटरनेट भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था बिकॉज बारिश हो रही है। सो डेफिनेटली अब सब कुछ ठीक है, तो मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स हमें आपकी सिचुएशन के लिए। और डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग तो देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही होगी। सो हम आप लोगों के लिए जानेंगे कि कब तक एक्शन भी आ जाएगा आपके पर्सन का आपके पास। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, होपफुली आपको कार्ड दिख रहा होगा। एस ऑफ वैंड्स, ओके द चेयर राइट, ओके द हाई प्रेस्ट्रेस, द मून, ओके फाइव ऑफ कप्स, ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके फोर ऑफ वैंड्स, द सन, वाव थ्री ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर, ओके ओके ओके। सो गाइज अगर मैं देखूँ आपके कार्ड्स तो काफ़ी ईजिली मुझको पता लग चुका है बहुत सारी चीज़ों का। बट पहली चीज़ तो ये देखिए, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो एक दूसरे से दूर होके। रीडिंग बताने से पहले मैं आपको साइंस बता देता हूँ एक बार। वी हैव जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, वी हैव कैंसर स्पेशल, वी हैव वर्गो स्पेशल एंड पाइसिस वी हैव स्पेशल। We have Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Leo we have special and we have Aries, Leo, Sagittarius again. Okay? So guys, आप यहाँ पर सारे साइंस नहीं है बट आप फिर भी साइन पर फोकस ना करते हुए रीडिंग पर फोकस कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके आपको, क्योंकि इस रीडिंग से अगर कुछ भी क्लैरिटी मिलती है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है, तो आपकी ये रीडिंग है, क्योंकि हमारा बर्थ चार्ट बहुत बड़ा होता है, उसमें सभी साइंस होते हैं। ओके सो नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, अभी आपसे भाग रहे हैं, आपसे बच रहे हैं। क्योंकि मुझको तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में, मतलब इस पर्सन को ना जो पैशन, जो केमिस्ट्री,
जिस तरीके से प्यार आपने किया है ना, अनकंडीशनल लव जो आपने इनको दिया है, तो उसकी वजह से इस पर्सन को ना समझ ही नहीं आया कि उसने इस तरीके का कनेक्शन कभी फील ही नहीं किया, कभी नहीं फील किया इस पर्सन ने इस तरीके का कनेक्शन। फिर भी इस पर्सन को समझ नहीं आया, कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में चलता रहा। इनको लगता होगा कि बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन आपकी तरफ से है और इस पर्सन की तरफ से नहीं है, तो मे बी ये डिजर्विंग है इस कनेक्शन के लिए या नहीं। बट यस, मैं अभी इस पर्सन को दूर जाता हुआ देख रहा हूँ, बट मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो इस कनेक्शन के लिए। आपने अपना दिन रात एक किया है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते थे कि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, और आप इनसे कनेक्शन बनाना चाहते थे। बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन, और एक टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था, आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थे, एक दूसरे से बातचीत चल रही थी बहुत अच्छे से, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना। काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट, मतलब आई मीन टू से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हुए भी फ़ोन पर या मैसेजेस पर या फिर सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर लेते थे थोड़ी बहुत, और काफ़ी लोगों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि बातचीत नहीं हो पाती, बट फिर भी उनके मन में बहुत प्यार था अपने पर्सन के लिए। ठीक है, बट सडनली द टावर मोमेंट कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड कुछ लोगों की लाइफ में अभी आया। तो मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों की लाइफ में तो 6 साल से टावर मोमेंट चल रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में 10 महीनों से चल रहा है या फिर 6 महीनों से चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कब ये थर्ड पार्टी मेरे पर्सन को छोड़ेगी, कब ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, कितना टाइम लगेगा। आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है एंड आप अपने आप को भी परेशान करके रखे हुए हो, एंड इवन आपके पर्सन के लिए तो सोच सोच के आप परेशान ही हो, बट आपने अपने आप को मेंटली भी परेशान बहुत ज़्यादा कर लिया है, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्द गुस्सा आता है। ये डेफिनेटली आता होगा आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, आपको समझ नहीं आता, आप या तो एक कोने में बेड पर लेट के अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो, या फिर आप अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो, मतलब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो उस टाइम पर। और आपको ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप ही की लाइफ में टावर मोमेंट नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रहा है। बहुत कार्मिक रास्ते पर चल रहे हैं वो अपने, इसीलिए उनकी लाइफ में इतना पेन आ रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में सोरो है। और मुझे तो लग रहा है कि आप भी अपने कार्मिक पाथ पर हो, बिकॉज आपको भी अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप भाई आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पर आप दोनों दोनों की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, और ये पर्सन अभी आपसे दूर भाग रहे हैं, अभी आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं। पर ये मैं अभी अभी ये दूर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी रियलाइजेशन नहीं है इस रिलेशनशिप का, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप पैशनेट हो इनके लिए। बट वही है कि अब इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि अभी इनको आपसे दूर जाना है, तो ये जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक कि ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। इनके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको उस थर्ड पर्सन के बारे में बताया नहीं है, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी मॉम ने इनकी शादी कहीं और करा दिया। ये देखिए, देख सकते हैं आप ये कार्ड, इनकी मॉम ने इनकी शादी कहीं और करा दिया इसलिए भी आपसे दूर जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जानते हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, पर आया जा सकता है बट थोड़ा मुश्किल है। तो अपनी मॉम के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते हैं या फिर अपने घर के किसी बड़े पर्सन के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से ये आपसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली अपने मॉम के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली ये अपनी मैरिज को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ इनके बच्चे भी हैं, और इनकी इनकी जिनसे शादी हुई है ये उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, मैं ये भी देख पा रहा हूँ। बट ये सब कुछ इनकी मॉम की वजह से हुआ है, और या फिर इनके फैमिली मेम्बर की वजह से हुआ है। ओके, बट अगर मैं देखूँ सॉरी थ्री ऑफ वैंड्स को, तो डेफिनेटली ये पर्सन आज भी आपकी राह देख रहे हैं, आज भी आपके लिए परेशान हैं, आपको आपके लिए देख रहे हैं कि कब तक आपसे इनका कनेक्शन बन जाएगा, कब तक ये आपके पास वापस आ जाएंगे। बिकॉज हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत ना होती हो, बट यस ये पर्सन आज भी आपका रास्ता देख रहे हैं कि यस कभी ना कभी तो आप इनके पास वापस आओगे, कभी ना कभी तो आप इनसे मिलोगे, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, कभी तो ये रिलेशनशिप दोबारा से बनेगा। क्योंकि देखिए इश्यूज तो हैं आप दोनों के बीच में, अब ये मदर इशू हो सकते हैं, रिलीजन इशू हो सकते हैं, कास्ट इशू हो सकते हैं, कल्चर इशू हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव ब्लैक एंड वाइट हियर टू। तो देख लीजिए आप लोगों के बीच में जो भी इशू है वो रिजॉल्व होगा, मैं देख सकता हूँ वो रिजॉल्व होगा।
बट उससे पहले आप दोनों को ज़रूरत है अपने आप को हाईली इंट्यूटिव बनाने की। अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, गॉड पर सरेंडर कीजिए। यहाँ पर भी देखिए ब्लैक एंड वाइट है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से भी गेट कर पा रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में इशू तो है, डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ इशू है। फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कल्चर इशू हो सकता है, रिलीजियस इशू इशू भी हो सकता है। और काफ़ी बार हमारे हमारे जो कल्चर में काफ़ी गोत वगैरह का भी होता है, तो उसका भी एक इशू हो सकता है, मतलब जो हमारा सरनेम और कास्ट का इशू होता है वो भी हो सकता है। सो डेफिनेटली ये एक इशू देख रहा हूँ मैं आप दोनों की लाइफ में। ओके सो यहाँ पर आप देखिए बंदा खुश नहीं है बिल्कुल भी, या फिर ये जो भी गर्ल है या बॉय है आपके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये चाहते हैं वापस से आपके साथ कनेक्शन बनाना, आपके पास वापस आना, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बस ये फंस गए हैं वहाँ पर अपनी मॉम के या फिर अपने घर के किसी बड़े पर्सन के चक्कर में, या फिर जिस भी पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत क्लेवर है, बहुत ही दिमाग से चलने वाली लेडी है या फिर बॉय है, जो जो बहुत ही अच्छे से अंडर कंट्रोल रखे हुए हैं इनको, बहुत ही मैनिपुलेटिव है ये पर्सन। बट ये ऐसे पर्सन आज भी चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, क्योंकि ये आपको अपना ट्विन मानते हैं। और आगे मैं देख रहा हूँ कि यस एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव रास्ता खुलेगा आपकी लाइफ का, और ये पर्सन आपके पास आएंगे वापस। ये देखिए ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास ज़रूर आएंगे, मैं यहाँ से ये चीज़ देख पा रहा हूँ। तो चैरट कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस इस पर्सन का आना है आपकी लाइफ में, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, ये पर्सन आप ही के पास आएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए पहले तो मैं इनके ट्रू फीलिंग्स देखता हूँ, देन मैं इनका नेक्स्ट सेक्शन देखूंगा, एंड देन गॉड गाइडेंस एंड देन एंजल आंसर्स। वी हैव मैनिफेस्टेशन, सबसे पहली चीज़ है मैनिफेस्ट करो, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करो, रोज दुआओं में गॉड से पर्सन को मांगो, अपने प्यार के लिए दुआएं मांगो, यही सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन है, तभी आपको ये प्यार मिलेगा, तभी आपको ये लव मिलेगा। देख लीजिए आपके पर्सन को, आपके पर्सन बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ट्रूली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्यार के लिए, और वो चाहते हैं कि ये प्यार उनकी लाइफ में वापस आए। वी हैव बाउंड्रीज, ओके तो इनकी कुछ बाउंड्रीज है गाइस, जिसमें ये बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मे बी ये बाउंड्रीज हो सकती है मैरिज, बच्चे और थर्ड पर्सन जिससे इन अभी डील कर रहे हैं, या तो इनकी एंगेजमेंट हो गई है, इनकी शादी हो गई है अभी रिसेंट में ही। सो डेफिनेटली ये कुछ बाउंड्रीज हैं इनकी लाइफ में जिनको इन्हें क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डेफिनेटली ये इन बाउंड्रीज को पार करके आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये अपने इनर पीस को चाहते हैं, और वो इनर पीस तो इन्हें आप ही के साथ मिलेगा। वी हैव मेच्योरिटी, तो आप ही के साथ ये एक मेच्योर कनेक्शन बनाएंगे मुझे लगता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कनेक्शन, सो कनेक्शन तो इनका आप ही के साथ बनेगा गाइज, मेच्योर कनेक्शन तो आप ही के साथ देख रहे हैं अपना। सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है। थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे तो इनका क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा आपके लिए। वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, काफी पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रप्शन, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं आपके बिना, बहुत अकेले हैं, इनको बहुत अलोन फील हो रहा है, बिल्कुल भी इनकी लाइफ में खूबसूरती नहीं है, आप इसे टावर मोमेंट ही देख लीजिए, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट ही चल रहा है, तो इसीलिए ये अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बरकरार कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। वी हैव थ्रॉट चाक्रा, सो मैं डेफिनेटली थ्रॉट चाक्रा से देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन अपने थ्रॉट को ओपन करेंगे, और ये
थर्ड पर्सन को सब कुछ बताएंगे आपके बारे में, अपने बारे में, उससे उसे क्लैरिटी देकर ये आपके पास वापस जरूर आएंगे। वी हैव रेस्ट एंड रेजोनेशन। तो अगर ये अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, अपने लिए मेडिटेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये ईजिली अपने थ्रॉट चाक्रा को ओपन कर पाएँ एंड देन अब आपके लिए बातचीत करके आपके पास वापस आ जाएँ। तो चलिए गॉड गाइडेंस देखते हैं, गॉड क्या कह रहे हैं हमको इस कनेक्शन के लिए। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, तो काफी केयरिंग कनेक्शन होने वाला है, कनेक्शन बनेगा। तो वी हैव जर्नी, इस कनेक्शन की जर्नी थोड़ी टफ होगी गॉड कह रहे हैं, बट काफी खूबसूरत जर्नी होगी ये। वी हैव विक्ट्री, वाओ, इस जर्नी पर चलते चलते आपको विक्ट्री मिल जाएगी। नाइस, आप दोनों का डोर टू रोमांस ओपन हो जाएगा गाइस, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गॉड की गाइडेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है और बहुत ही अच्छी आ रही है। ये बहुत सारे कार्ड हैं, ये दो कार्ड से गाइस हमें एक की जरूरत है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, गार्डन एंड द गेट। तो आपको बस ये अपने गार्डन की चाबी से गेट खोलना है और ये चाबी आप ही के पास है, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन जो है आपका, वो आपकी चाबी है। आपको उस मैनिफेस्टेशन की चाबी से इस गेट को खोलना है एंड देन ब्लॉस्मिक अबंडेंस तक पहुंचना है। तो बस आपको पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी है, पेशेंस रखना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन अच्छे से हो सके। ओके, तो चलिए आपको एंजल आंसर्स से मैं बता देता हूँ कि क्या है एंजल्स का कहना। चलिए, परफेक्ट टाइमिंग आएगी गाइस, एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। वी हैव वन कार्ड, एक सेकंड गाइस, हमारे पास एक कार्ड। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन, तो देख लीजिए पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा आप दोनों का। अगर आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो इश्यूज बहुत ही पीसफुली खत्म होंगे, बहुत ही पीसफुली सॉल्व होंगे। वी हैव ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट रखना होगा एंजल्स पर, गॉड पर। आप अगर ट्रस्ट रखोगे एंजल्स पर, गॉड पर, अपने पर्सन पर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी बातचीत हो सकती है आपके पर्सन से, फोन पर या कॉल पर बातचीत हो सकती है आपकी। बट वही है कि मैं कह रहा हूँ कि आपसे कॉन्टैक्ट बनाने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बातचीत वो आपसे करेंगे फोन पर। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, ठीक है? आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं हर एक चीज़ की, क्योंकि इंट्यूशंस बहुत पावरफुल होते हैं। और एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को सुनो, रिकंसिडर, हर एक चीज़ को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स में आपके पास कॉल आ जाएगा और फ्यू मंथ्स में आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट बना लेंगे। तो देख लीजिए गाइज, मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे या नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आएंगे आपके पर्सन। और गाइज, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर, सॉरी मैं आज लेट हो गया, आई एम सॉरी, बाय।